जून 2022 में अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स रिकॉर्ड 6 बिलियन यूएस डॉलर में बेचे गए, मेकिंग इट वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट लीग, जो कि सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग से पीछे था। करंटली आईपीएल में केवल 74 मैचेस खेले जाते हैं, जिस हिसाब से आईपीएल की पर मैच वैल्यू 15 मिलियन यूएस डॉलर है, जो कि दुनिया की रिचेस्ट फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आईपीएल जो केवल 15 साल पहले स्टार्ट हुआ था, वो कैसे दुनिया के नामी स्पोर्ट्स लीग को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग बना, जानेंगे इस वीडियो में। It's headed the same way. Because the IPL is the second richest sporting franchise in the world. साल 2000 से पहले क्रिकेट का एक ट्रेडिशनल फैन बेस हुआ करता था, जिनके लिए क्रिकेट एक इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स था। अर्ली 2000 में क्रिकेट अपनी पॉपुलैरिटी को खोने लगा, क्योंकि इस टाइम पे क्रिकेट यंग फैंस को अट्रैक्ट करने में स्ट्रगल कर रहा था। इस टाइम तक क्रिकेट के केवल दो फॉर्मेट हुआ करते थे। पहला फॉर्मेट था टेस्ट मैच, जो कि 5 दिनों तक खेला जाता था, और दूसरा फॉर्मेट था ODI, जिसका प्लेइंग टाइम 7 से 8 घंटे था। अगर इसे दूसरे स्पोर्ट्स से कंपेयर करें तो क्रिकेट का टाइम स्पेंड दूसरे स्पोर्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा था। जहां फुटबॉल और बास्केटबॉल 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाता था, वही क्रिकेट के एक मैच को खत्म होने में एटलीस्ट 8 से 9 घंटे लगते थे, और एक वर्किंग आदमी के लिए अपने दिन के 7 से 8 घंटे केवल क्रिकेट देखने में लगाना पॉसिबल नहीं था। और यंग फैंस को भी क्रिकेट का ये फॉर्मेट बोरिंग लगने लगा। यंग फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिकेट को चाहिए था वो एक ऐसा फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करें जो कि छोटा और तेज हो। और साल 2003 में स्टुअर्ट रॉबर्टसन नाम के इस आदमी ने T20 का फॉर्मेट प्रपोज किया। स्टुअर्ट रॉबर्टसन उस टाइम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग मैनेजर थे। ये फॉर्मेट ODI की तुलना में काफी छोटा था, जहां ODI में एक मैच 50 ओवरों का होता था, T20 में इसको घटाकर 20 ओवर तक कर दिया गया। और जहां एक ODI मैच को कराने में 8 से 9 घंटे लगते थे, T20 का मैच इसके आधे टाइम यानी कि 4 घंटे में समाप्त हो जाता था। क्रिकेट के इस तेज और छोटे फॉर्मेट ने धीरे धीरे यंग फैंस के बीच पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट किया, और T20 का ये फॉर्मेट एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। इसके चलते साल 2007 में ICC ने पहला T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, और इस T20 का पहला वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, जिस कारण इंडिया में भी T20 की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी। साल 2007 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरह इंडिया में T20 फॉर्मेट पॉपुलर हो रहा था, इसे देखकर ललित मोदी, जो कि उस समय के BCCI के वाइस प्रेसिडेंट थे, इंग्लैंड के इंग्लिश प्रीमियर लीग और अमेरिका के NFL से काफी इंस्पायर्ड थे। इन लीग्स की सक्सेस को देखकर उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना इंडिया में भी ऐसी फ्रेंचाइज लीग स्टार्ट की जाए। फ्रेंचाइज लीग एक ऐसी लीग होती है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेलती, बल्कि कुछ फ्रेंचाइज होती है जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से प्लेयर्स को खरीदती है, और फिर ये फ्रेंचाइज एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। साल 2007 में IPL का आइडिया प्रपोज करने के बाद 2008 में IPL का पहला सीजन ऑर्गेनाइज किया गया, और जनवरी 2008 में पहली बार IPL के ऑक्शन हुए, जिसमें कि 8 फ्रेंचाइज बेची जानी थी, जिनका बेस प्राइस 400 मिलियन डॉलर था, लेकिन अंत में ऑक्शन का प्राइस वॉपिंग 724 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। इस ऑक्शन में बिकने वाली सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी मुंबई इंडियंस, जिसको कि 111 मिलियन डॉलर में मुकेश अंबानी द्वारा खरीदा गया। IPL ने अपने पहले ही सीजन में प्रॉफिट कमाकर ये प्रूव कर दिया कि फ्यूचर में IPL का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। IPL की सक्सेस का कारण केवल क्रिकेट नहीं था, बल्कि IPL ने क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को मिक्स किया। IPL की धमाकेदार ओपनिंग से लेकर स्पेशल IPL के थीम सॉन्ग बनाए गए, और पूरी इंडिया में 2 महीनों के लिए IPL एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। IPL ने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट के रूप में प्रस्तुत किया, और जिसका असर ये हुआ कि IPL ने कुछ ही सालों में 500 मिलियन व्यूअर्स गेन किए, और इतने ह्यूज ऑडियंस को हर कोई ब्रांड और स्पॉन्सर्स अपना ऐड दिखाना चाहता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि BCCI के पास इतने पैसे आए जिससे कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गया। BCCI की मेन अर्निंग IPL के स्ट्रीमिंग राइट बेचकर होने लगी। स्ट्रीमिंग राइट्स वो राइट होते हैं जिसमें कि BCCI अलाउ करता है कौन सा चैनल IPL को अपने TV पे या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखा सकता है। और जब जून 2022 में BCCI ने इन स्ट्रीमिंग राइट्स के ऑक्शन रखे, तो ये स्ट्रीमिंग राइट स्टैगरिंग 6 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 48,000 करोड़ रुपए में बेचे गए। इस इनकम का 50% सीधा फ्रेंचाइज के बीच बांटा जाता है, जिस कारण ये इंडियन फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को दुनिया के किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा ऑफर करती है, और यही कारण है कि दुनिया का हर कोई प्लेयर IPL में खेलना चाहता है। इसके अलावा इन फ्रेंचाइज का 20 से 30% रेवेन्यू स्पॉन्सर्स बेच के और 10% रेवेन्यू टिकट्स बेच के आता है। तो दोस्तों, IPL के रिच होने का मेन कारण है इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन। अकेले पिछले साल IPL को 700 मिलियन से ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया, और
इतनी बड़ी ऑडियंस को कोई भी ब्रांड मिस नहीं करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जूस कंपनी स्लाइस ने मुंबई इंडियंस के साथ 90 करोड़ की डील सिर्फ अपनी कंपनी का नाम उनकी जर्सी पर दिखाने के लिए की। इसके अलावा BCCI किसी भी इंडियन प्लेयर को फॉरन लीग में पार्टिसिपेट करने से मना करता, जिससे कि दूसरी क्रिकेट लीग दूर दूर तक IPL की बराबरी नहीं कर पाते। साल 2022 में BCCI ने दो और क्रिकेट टीम लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को IPL में जोड़ा और अब IPL 10 टीमों के बीच 2 महीनों के लिए खेला जाता है, जिसमें कि टोटल 74 मैचेस होते हैं। और BCCI ने कहा कि वो अगले 5 सालों में IPL के मैचों के नंबर बढ़ाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब फ्यूचर में IPL 2 महीनों की जगह 3 से 4 महीनों के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि IPL भी फुटबॉल की राह पर चल रहा है? फुटबॉल में दो कंट्रीज के बीच मैचेस काफी कम खेले जाते हैं और पूरे साल फ्रेंचाइज लीग चलती है और 4 सालों में एक बार वर्ल्ड कप खेलने के दुनिया की अलग अलग टीमें आपस में मैच खेलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, फुटबॉल की सबसे रिचेस्ट लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग 8 महीनों तक खेली जाती है, जिसमें कि टोटल 380 मैच खेले जाते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर में क्या क्रिकेट भी इसी रास्ते पर जाएगा, जहां दो कंट्रीज के बीच मैच काफी कम खेले जाएंगे और साल के ज्यादातर महीने IPL जैसी फ्रेंचाइज लीग खेली जाएगी? इस विषय पर अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।